प्यारे बच्चों, अब हम कहानी सुनेंगे शहजादी के बाल। किसी मुल्क में एक शहजादी रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत मगरूर भी थी। वो अपने बालों पर बहुत नाज करती थी। वहीं पर एक जादूगरनी भी रहती थी। इसे जब पता चला तो इसने शहजादी को सबक सिखाने का सोचा। एक दिन वो शहजादी के पास बेस बदल कर आई और कहने लगी, शहजादी साहिबा, मैं आपके लिए एक ऐसी दवाई लाई हूँ जिसे लगाकर आपके बाल और भी खूबसूरत हो जाएंगे। शहजादी ने जब दवाई देखी तो इसे फूल ही फूल नजर आए। इसे यकीन हो गया कि ये दवाई वाकई अच्छी है। इसने वो दवाई ले ली। शहजादी ने सोचा, इस दवाई से इसके बाल और भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए इसने वो दवाई रोजाना अपने बालों पर लगानी शुरू कर दी। शहजादी को लगा कि इसके बाल दिन ब दिन अच्छे होने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। एक दिन जब इसकी सहेलियां आईं, तो शहजादी के बालों को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, शहजादी, तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? शहजादी समझ गई कि इसके बाल बहुत बुरी तरह खराब हो गए हैं। इसे इस औरत पर बहुत गुस्सा आया जिसने इसे दवाई दी थी। शहजादी ने सारी बात अपनी दोस्तों को बताई। इसकी एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर एक जादूगरनी रहती है, इसके पास जाओ, क्या पता वो तुम्हारे मसले का हल निकाल ले। शहजादी ने इसके पास जाने की ठान ली और अगले ही दिन वो इस जादूगरनी के पास जहाँ पहुँची। शहजादी ने इसे अपना मसला बताया। क्योंकि जादूगरनी शहजादी को जानती थी, तो जादूगरनी ने कहा कि तुम अपने बालों पर गुरूर करना छोड़ दो और रहम दिल शहजादी बन जाओ, तो तुम्हारे बाल बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। शहजादी बहुत हैरान हुई कि ऐसे कैसे होगा, तो जादूगरनी ने कहा, ऐसा करके तो देखो शहजादी। इसने शहजादी को एक और दवाई दी जिसे पाकर शहजादी बहुत खुश हुई। शहजादी ने जादूगरनी के कहने के मुताबिक जो कुछ लिया, इससे शहजादी के बाल दोबारा से बहुत अच्छे हो गए। तो इसने सोचा कि इसे जादूगरनी का शुक्रिया अदा करने के लिए इसके पास जाना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से शहजादी के बाल फिर से अच्छे हुए थे। शहजादी ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया कि आप ही की वजह से मेरे बाल फिर से इतने अच्छे हो गए हैं। तो जादूगरनी ने इसे अपनी सच्चाई बताई कि मैंने ही तुम्हें वो बाल खराब करने वाली दवाई दी थी और कहा था कि अगर तुम दोबारा से वो मगरूर शहजादी बन गई तो दोबारा से तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। शहजादी ने अहद किया कि वो दोबारा कभी ये गुरूर नहीं करेगी। अब शहजादी के बाल पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। शहजादी और भी ज्यादा रहमदिल हो गई थी। इस वजह से इसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। प्यारे बच्चों, हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है।